हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज। दोस्तों, कंप्यूटर 2020 सीरीज़ का जो दो वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, चलते हैं आज कंप्यूटर 2020 सीरीज़ के पार्ट 3 की ओर, जहाँ कुछ नए कुछ पुराने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे वीडियो लाइव आता है, उस समय आप लाइव चैट में अपना आंसर कमेंट कर देख सकते हैं कि 20 में आपका कितना आंसर सही हुआ, और वीडियो के अंत में आप अपने नाम के साथ 20 में टोटल कितना आंसर सही हुआ है कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, हाउ मैनी मेजर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर माइक्रो प्रोसेसर, यानी पूरे वर्ल्ड में माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले टोटल कितने कंपनी है। ऑप्शन ए ओनली वन कंपनी, ऑप्शन बी टू कंपनीज, ऑप्शन थ्री कंपनीज, ऑप्शन डी मैनी कंपनीज। तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टू कंपनीज, यानी पूरे वर्ल्ड में माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला सिर्फ दो ही कंपनी है, एक इंटेल और दूसरा मोटोरोला। तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू कंपनीज। क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच चिप इज यूज्ड इनसाइड द एप्पल न्यू कंप्यूटर, एप्पल न्यू कंप्यूटर के अंदर किस चिप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए G3, ऑप्शन बी G4, ऑप्शन सी ATI, ऑप्शन डी MAC03। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट में लिखिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G3 चिप, यानी न्यू एप्पल कंप्यूटर में G3 चिप लगा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G3। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी हेनरी बेबेज और ऑप्शन डी हेनरी लूसी। जल्दी से अपना जवाब कमेंट में दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड टू इंजन, दे आर, यानी चार्ल्स बेबेज दो इंजन डिजाइन किए थे, दो इंजन बनाए थे, जो था क्या था। ऑप्शन ए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंजन, ऑप्शन बी एनालिटिक एंड डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी एनालिटिक एंड डिजिटल इंजन, ऑप्शन डी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इंजन। तो जल्दी से आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनालिटिक एंड डिफरेंस इंजन, यानी चार्ल्स बेबेज दो इंजन जो बनाए थे उसका नाम था एक एनालिटिक इंजन और दूसरा डिफरेंस इंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन ए EDVAC, ऑप्शन बी
ई डी एस ए सी, ऑप्शन सी ई एन आई ए सी और ऑप्शन डी यू एन आई वी ए सी। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ई एन आई ए सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच कंप्यूटर जनरेशन द आईबीएम 700 बिलोंग्स टू, यानी आईबीएम 700 जो है वो कंप्यूटर के किस जनरेशन से संबंधित है, किस जनरेशन में आईबीएम 700 आया था या बना था। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक के कंप्यूटर को हम लोग कहते थे, तो 1957 से लेकर के 1962 के बीच जो भी कंप्यूटर आया वह सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहला बार ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट में लिखें, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर एट, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स टेक्नोलॉजी दैट ब्रॉट ब्लूम इन द हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, यानी किस जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग किया गया था जिसके कारण क्या हुआ, ब्राउट ब्लूम इन हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में एक ब्राउट ब्लूम आया। तो अपना जवाब जल्दी से कमेंट में दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI का उपयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड CD-ROM फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस जनरेशन के कंप्यूटर में CD-ROM का पहली बार उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन और ऑप्शन ई फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किस जनरेशन में किया गया था, जल्दी से अपना जवाब कमेंट में कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहला बार, नहीं सबसे पहली बार क्या हुआ था, CD-ROM का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड पावर बुक एंड पेंटियम,
माइक्रो प्रोसेसर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार पावरबुक और पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। जल्दी से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर। यानी सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले बार पेंटियम चिप्स या फिर पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर और पावरबुक का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन अनदर नेम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिस्टिंक्टिव कंप्यूटर, ऑप्शन डी इंडिविजुअल कंप्यूटर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिखें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर। यानी पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी नोटबुक, ऑप्शन सी सर्वर, ऑप्शन डी लैपटॉप। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेस्कटॉप। यानी डेस्कटॉप जो है वह कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोवाइड्स ग्रेटर स्पीड देन एवरेज फॉर परफॉर्मिंग मल्टीटास्किंग। ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोटबुक, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन और ऑप्शन डी टैबलेट पीसी। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्क स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 14, Which is the newest development of full featured portable computer? यानी newest development full featured portable computer कौन सा होगा? ऑप्शन ए नोटबुक पीसी, ऑप्शन बी ए हैंडहेल्ड पीसी, ऑप्शन सी टैबलेट पीसी, ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। तो जल्दी से आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैबलेट पीसी। यानी टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा है फुल फीचर पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज द पावरफुल कंप्यूटर विथ स्पेशल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर्स दैट यूज फॉर नेटवर्किंग। यानी सबसे पावरफुल कंप्यूटर है विथ स्पेशल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन बी वर्क स्टेशन, ऑप्शन सी मेन फ्रेम और ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटवर्क सर्वर। यानी नेटवर्क सर्वर में जो है स्पेशल इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर होता है जिसका कि उपयोग हम लोग नेटवर्किंग के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए नेटवर्क सर्वर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिड रेंज कंप्यूटर, यानी मिड रेंज कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। मिड रेंज कंप्यूटर कौन सा होगा, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिड रेंज कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल एंड फिजिकली लार्जेस्ट कंप्यूटर, यानी मोस्ट पावरफुल एंड फिजिकली लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन सा होगा। ऑप्शन ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर और ऑप्शन डी गेमिंग पीसी। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, मोस्ट पावरफुल और फिजिकली लार्जेस्ट कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, यानी सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए Z1, ऑप्शन बी इंटेल 8084, थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी IBM 007, ऑप्शन डी इंटेल 8000। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Z1, यानी Z1 कंप्यूटर जो था वो सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए Z1। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया। ऑप्शन ए ENISC, ऑप्शन बी HEC 2M, ऑप्शन डी SZ 40x42 और ऑप्शन डी हर्वेल कैडेट। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HEC 2M। तो HEC 2M का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉलरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M, जो इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर था, हॉलरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HEC 2M। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिफाइंड कंप्यूटर, निम्न में कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर को एग्जैक्टली डिफाइन करता है। ऑप्शन ए मशीन व्हिच इज लाइट वेट एंड यूज फॉर कैलकुलेशन, यानी वैसा मशीन जो कि लाइट वेट हो और कैलकुलेशन में उसका उपयोग किया जाता हो। ऑप्शन बी ए यूनिट रिकॉर्ड मशीन, ऑप्शन सी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड प्रोसेस डाटा टू गिव डिजायर रिजल्ट और ऑप्शन डी ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मशीन। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड प्रोसेस डाटा टू गिव्स डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है और उस डाटा को प्रोसेस करता है और
लास्ट में क्या करता है हमें, मतलब जो उपयोगी रिजल्ट्स होता है, डिजायर रिजल्ट्स जो होता है, जो आउटपुट हम कहते हैं, वो रिजल्ट हमें देता है, यानी डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और लास्ट में हमें रिजल्ट देता है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपका कितना आंसर सही हुआ है और नाम के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।